बिछिया जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोचा में आज पोषण माह सप्ताह के तहत पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया, जिसमें सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती मधुलिका उपाध्याय के द्वारा गर्भवती महिला को उचित आहार देने संबंधी एवं गोद भराई कार्यक्रम व महिलाओं की पोषण थाली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आरसी में भर्ती कर कर आई हूं, बड़े मुश्किल से वो लोग तैयार हुए हैं। मान्यताएं हैं जिससे बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है, अभी भी उनको एनआरसी ले जाने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत मुश्किल से उनको तैयार करके ले जाना पड़ता है। तो ये काम दीदी करी है, कल दो बच्चों को एनआरसी में एडमिट करा के आई हैं। जो हरी साग सब्जी के बारे में हम गर्भवती माताओं को बताते हैं, अंकुर दाना के दाने की और गुड़ चने की उनको सलाह देते हैं, और स्वच्छता के लिए हम उनको साफ सफाई की उनकी बात करते हैं। ये पोषण माह महीने भर चलने वाला कार्यक्रम है, हम लोग प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम मना रहे हैं, और ये कार्यक्रम न केवल केंद्र पर बल्कि पंचायत स्तर पर भी और स्वास्थ्य विभाग के साथ भी और शिक्षा विभाग के साथ भी हम लोग मिलकर ये कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को आज हमने यहाँ पर शामिल किया है मोचा पंचायत में। इसके पहले हमने डुंगरिया पंचायत में किया था, इसके पहले राता पंचायत में भी कर चुके हैं। तो प्रति पंचायत के द्वारा भी, चूँकि अभी मंत्री जी के जो संदेश हैं, कलेक्टर महोदया के जो संदेश हैं, जो शासन से निर्देश मिले हुए हैं, उसके तहत हम लोग प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें पोषण की विविधता जो हमारा मुख्य आधार है, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, सारे बच्चे सुपोषित रहें। और इसी सुपोषण के तहत हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के व्यंजन, जो जिसमें पके हुए, कच्चे हुए, कच्चे अनाज कौन कौन से हैं, उनसे हम क्या क्या विविध व्यंजन बना सकते हैं। इसके अलावा साथ ही जो पोषण की, हमारा पोषण मटका, पोषण थाली, तिरंगा थाली जिसको हम बोलते हैं, जो पकी हुई रहती है, जिसमें हम खाना खाते हैं, उन व्यंजन की विविधता उसमें रहती है। कम से कम तीन रंगा या तिरंगा थाली बोलते हैं, पचरंगा भी हो सकता है। जितने अच्छे रंगों से भरी हुई थाली सुसज्जित हमारी होगी, उतना ही आधार या तो गर्भवती हो या धात्री हो या कोई भी महिला हो, सबको चूंकि खून की कमी होती ही है, इसीलिए उसमें हमारे जो आहार होते हैं विविधता के साथ में, साथ ही आयरन की जो पूर्ति हो सके, क्योंकि आयरन की पूर्ति के लिए हम हरी भाजी, साग सब्जियां खाते हैं, लेकिन चूंकि पचाने के लिए हमें विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है, तो उसका भी उस थाली में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नींबू ले लिया या दही ले लिया, तो वो हमारे खाने में आयरन को पचाते हैं। साथ ही यदि हम विटामिन डी लेते हैं, तो उससे हमारे जो दूध लेते हैं या दही लेते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, वो पचता है। तो एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ कैसे कॉम्बिनेशन रहता है, उसका कैसे संयोजन होगा, और खाने का ये बताना हमें बहुत ज़रूरी है। खाते सभी लोग हैं, ये आज हम बात करते हैं विटामिन की, अन्यथा देखा जाए तो हमारे जो पुराने लोग हैं, उन लोग पहले से ही जो खाना खाते रहे हैं, जैसे भाजी में उन्होंने आम की खटाई डाली, तो वास्तव में ये खटाई जो होती है आयरन को पचाती है। आयरन चूँकि पचने में बहुत टाइम लेता है, तो ये गर्भवती महिला को बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एनीमिक होती हैं, यदि उनका बच्चा उनके शरीर से वो खून लेता है जब वो पलता है गर्भ में। तो इसी प्रकार से जो धात्री माता होती है, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। और सबसे शुरुआत इस स्तर पे हम लोगों ने यहाँ पर किशोरी बालिकाओं को भी आमंत्रित किया था। किशोरी बालिकाएँ जो कि अभी हमारे राष्ट्र की नींव है कहना चाहिए, क्योंकि पोषण माह मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। ऐसी जागरूकता अगर आती रहेगी तो ये कार्यक्रम और आगे बढ़िया होंगे, कुपोषित बच्चे भी नहीं होंगे, महिलाओं को, बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को, सभी को इसका लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ यहाँ का, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र बोड़ा छपरी से हूँ, और मैं हमारे यहाँ दोस्त। साथ ही पोषण थाली में स्थानीय व्यंजनों को शामिल किया गया। इस दौरान सरपंच श्री विनय मरकाम एवं उपसरपंच भगवान सिंह परमार, सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती मधुलिका उपाध्याय, सेक्टर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, ग्रामीण महिलाएं एवं बालिकाओं तथा बच्चों की उपस्थिति सराहनीय रही। बिछिया से ओमकार पटेल की रिपोर्ट।
SCN News India मंडला।